हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल डिफेंस वॉरियर पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है जो हमारे 2013 बैच के जितने भी छात्र हैं यहाँ पे, या फिर जितने भी बहनें हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो उनका जो वेरीफिकेशन था, जिसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं पता चला था, तो उनका वेरीफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप सभी की लिस्ट जो है जारी हो चुकी है और आप सभी की थाने में पहुँच भी गई होगी। यहाँ पे बहुत सारे थानों में पहुँच चुकी है, मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट दिखा दूँगा जहाँ जहाँ पहुँच चुकी है। आप सभी के पास अगर ये वेरिफिकेशन की डेट, अगर कंफर्मेशन आपको नहीं मालूम हुई है डेट, इसके बारे में कुछ डिटेल आपको नहीं मालूम हुआ, तो आप हमारे वीडियो पे चैनल पे आप हमेशा जुड़े रहिएगा, आपको पूरे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और आपको इसमें हम आपको लिस्ट दिखाएंगे कि जहाँ जहाँ का वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है और आप सभी का वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया। और आप अगर वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं मिली, तो आप अपने थाने में जाकर अपना वेरिफिकेशन चेक कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। आपका वेरिफिकेशन आ चुका होगा, 100% आपका वेरिफिकेशन आ चुका, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। ठीक है, तो चलिए हम आपको इस वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आपको लिस्ट दिखाते हैं। लिस्ट दिखाने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले आप तक मिलते रहें। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ये व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर ये नोटिफिकेशन ये PDF आया हुआ है। तो हम इस PDF को ओपन कर लेते हैं, 19 पन्नों की PDF है, तो इस पर देख लेते हैं ओपन करने के, इसमें क्या लिखा हुआ है। आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2013 में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन कराए जाने हेतु प्रबंध एवं दिशा निर्देश से संबंधित बुकलेट। तो ये एक बुकलेट है पूरी 19 पेजों की, जिसमें आपको पूरा डिटेल बताया गया हुआ है। तो ये जो बुकलेट है, इनकी जो डेट है कब इशू की गई, आप खुद दे सकते हैं, 5/9/2019 को ये बुकलेट इशू की गई है। और ये पूरी 19 पेज की बुकलेट है, जिसपे जो जो भी बच्चों ने यहाँ पे हाईकोर्ट पे इसका मुकदमा किया था, रिट अपनी दायर की थी, उन सभी के बारे में ये है। तो चलिए एक यहाँ पे और मेरे पास एक PDF है, आपको उस पर दिखा देता हूँ। ये जो PDF है 2 पेज की, यहाँ पे आपको इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कौन कौन सा छात्र है। तो समय 10 बजे सभी अभ्यर्थियों को पुलिस कार्यालय भेजना है। तो आप देख सकते हैं ये 2013 आपको लिखा हुआ ऊपर, सीधी भर्ती वर्ष 2013 में चयनित महिला अभ्यर्थी दिनांक 13/9/2019 से चरित्र सत्यापन भरवाए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित चुना दिए जाने हेतु सूची। तो ये जो 13/9 यानी कि कल से ये आपका वेरिफिकेशन जो है, यानी चरित्र सत्यापन, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस किस कहाँ का है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका रोल नंबर दिया गया है, उनका नाम है दीविका नरेंद्र कुमार, इनका फिता जी का नाम है, उनका जो जनपद लगता है कन्नौज। तो ये फिलहाल जो मेरे पास अभी लिस्ट है पूरी, ये कन्नौज की लिस्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के, यहाँ पर जो कन्नौज से यहाँ पर कुछ टोटल 22 लोगों का यहाँ पर लिस्ट जारी की गई। इस तरह के हर डिस्ट्रिक्ट पे लिस्ट जारी हो गई होगी। आपने अभी तक अपने थाने से अगर आपको कॉल या नहीं आई है, तो आप अगर आपने नंबर दिया है, आपका नंबर चालू है, तो आपको कॉल आएगी। अगर कॉल नहीं आती, तो आपको दायित्व तो बनता है कि आप उन्हें थाने में जाइए, और थाने में जाने के बाद वहाँ पर अपना खुद अपना पूछिए कि उनका आपकी जो वेरिफिकेशन है वो आया है कि नहीं आया है। वेरिफिकेशन आ गया तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारा कुछ वहाँ पे आपको लेके जाना होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आपको 100% श्योर, आपको मैंने ऑफिशियली न्यूज़ दी है, 100% सटीक न्यूज़ है, इसमें कोई भी फेक नहीं है, आपने खुद प्रूफ देख लिया। अगर वीडियो को पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट सबसे पहले आप तक मिलते रहें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।